हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। दिशा क्लासेस बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लिए। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि दिशा क्लासेस पर हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को, और फिलिप कोटलर की बुक से 9 चैप्टर्स हम मार्केटिंग के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 8। इस चैप्टर के भी 7 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को पर्सनली टारगेट कस्टमर तक पहुँचा सकती है, तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, जहां कंपनी डायरेक्टली अपनी कम्युनिकेशन टारगेट कस्टमर तक पहुंचाती है अलग अलग चैनल्स के थ्रू, किसी भी मार्केटिंग मिडल मैन की वो हेल्प नहीं लेती। सेकंड है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में कंपनी की सेल्स फोर्स मार्केट में जाके कस्टमर को विजिट करती है और कंपनी की जो भी कम्युनिकेशन होती है, मैसेज होती है, उनको टारगेट कस्टमर तक पहुँचाती है। तो ये दोनों ही मेथड्स हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, जहाँ कंपनी की कम्युनिकेशन पर्सनली टारगेट कस्टमर तक पहुँच रही है। हमने स्टार्ट कर रखा है फर्स्ट मेथड को, डायरेक्ट मार्केटिंग को। फर्स्ट पार्ट में ही हमने देखा कि डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए कंपनीज के पास बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू कोई भी कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकती है किसी भी मार्केटिंग मिडल मैन की हेल्प के बिना। उनका ब्रीफ इंट्रो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, उन्हीं को डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं अब आने वाले पार्ट्स में। अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स या मेथड्स की बात करें तो पहला मेथड हमारे पास है डायरेक्ट मेल। कंपनी क्या कर सकती है, अपनी कम्युनिकेशन या मैसेज को डायरेक्टली कस्टमर को मेल कर सकती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब इंटरनेट आने के बाद हम ऑनलाइन मेल भी सेंड कर सकते हैं ईमेल की फॉर्म में, क्लियर। तो डायरेक्ट मेल कैंपेन को क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें कि सेकंड मेथड क्या है कंपनीज के पास डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए, तो वो हमारा है कैटलॉग मार्केटिंग। कैटलॉग मार्केटिंग में जहाँ कंपनीज प्रिंट की फॉर्म में, DVD की फॉर्म में, या ऑनलाइन कैटलॉग्स भी आजकल अवेलेबल हैं इंटरनेट आने के बाद, कंपनीज क्या करती हैं अपने कैटलॉग्स टारगेट कस्टमर को भेजती हैं, जहां से उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन टारगेट कस्टमर तक पहुंच जाती है। तो यहां भी कंपनी किसी भी मार्केटिंग मिडल मैन की हेल्प के बिना अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा रही है। सेकेंड मेथड हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग का कैटलॉग मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड को। थर्ड मेथड हमारा है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ कंपनीज टेलीफोन की हेल्प लेके अपनी कम्युनिकेशन को या मैसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुँचाती है किसी भी मार्केटिंग मिडल मैन की हेल्प के बिना। तो स्टार्ट करते हैं। टेली मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ टेलीफोन एंड कॉल सेंटर्स टू अट्रैक्ट द प्रोस्पेक्ट्स, सेल टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज बाय टेकिंग ऑर्डर्स एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। ये कह रहा है टेली मार्केटिंग में कंपनीज टेलीफोन और कॉल सेंटर की हेल्प से जो भी उनके प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल करने की कोशिश करती है, एग्जिस्टिंग कस्टमर से टेलीफोन के थ्रू ही वो ऑर्डर्स लेती है और 2-3 दिन में उनको गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करती है, या फिर अगर उनकी कोई क्वेरीज है तो उनको आंसर करती है। तो ये हमारा होता है टेली मार्केटिंग, जहाँ कंपनीज टेलीफोन की हेल्प से ही अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक डिलीवर करती है और किसी भी मार्केटिंग मिडल मैन की हेल्प नहीं लेती।
क्लियर। यहाँ या तो हम फोन का यूज कर रहे हैं या हम कॉल सेंटर्स का यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, उनके ऑर्डर्स लेने के लिए और उनकी क्वेरीज के आंसर देने के लिए। इट हेल्प कंपनीज इंक्रीज रिवेन्यू, ये कह रहा है ये कंपनीज को उसका रिवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करता है बाय रिड्यूसिंग सेलिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कह रहा है टेली मार्केटिंग की वजह से कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि एक तो हमारी सेलिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है और दूसरा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि पहले क्या था, मार्केटिंग करने के लिए हमें सेल्स फोर्स का यूज़ करना पड़ता था, कि हम अपनी सेल्स फोर्स को मार्केट में कस्टमर के पास भेजते थे, वो उनको हमारी इन्फॉर्मेशन या गुड्स के बारे में बताता था, उनके ऑर्डर्स लेके आता था, फिर हम उन्हें डिलीवरी करते थे। तो वो जो एक प्रोसेस था पर्सनल सेलिंग वाला, वो या फिर अगर हम अदर मेथड्स की बात करें तो उसमें जो सेलिंग कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। लेकिन टेली मार्केटिंग के बाद कंपनीज क्या हैं, कॉल सेंटर या टेलीफोन की हेल्प से ही अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कस्टमर तक डायरेक्टली डिलीवर कर देती है। किसी भी मार्केटिंग मिडल मैन की उन्हें हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, और जितनी भी कस्टमर की क्वेरीज होती हैं वो भी विद इन सेकेंड्स सॉल्व हो जाती हैं, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होती है। और जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियसली वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा और कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज होगा। तो जो दो चीज़ें हमने देखी कि टेली मार्केटिंग के बाद कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है क्योंकि उसकी सेलिंग कॉस्ट डिक्रीज हो गई, दूसरा उसके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो गई। कंपनीज यूज कॉल सेंटर्स फॉर इनबाउंड टेली मार्केटिंग, रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम कस्टमर्स, एंड आउटबाउंड टेली मार्केटिंग, इनिशिएटिंग कॉल्स टू प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स। ये कह रहा है अब कंपनीज कॉल सेंटर्स दो तरीके से यूज करती हैं, इनबाउंड टेली मार्केटिंग। इनबाउंड टेली मार्केटिंग में क्या है कि जिन भी कस्टमर्स को अगर कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने हैं या अगर उनकी कोई भी क्वेरी है गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कंपनी के कॉल सेंटर में, और वहाँ से जो भी क्वेरी है या जो भी अगर उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं इनबाउंड टेली मार्केटिंग, जहाँ कस्टमर खुद कॉल कर रहा है कंपनी के कॉल सेंटर में, या तो गुड्स एंड सर्विसेज का ऑर्डर प्लेस करने के लिए या अपनी कोई क्वेरी को सॉल्व करवाने के लिए। दूसरा है आउटबाउंड टेली मार्केटिंग। आउटबाउंड टेली मार्केटिंग में जो कंपनी का कॉल सेंटर है वो खुद, जो उसे लगता है कि कंपनी के ये प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स हो सकते हैं या प्रोस्पेक्ट्स हैं या ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उनको खुद कॉल करके कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। तो दो टाइप का हमने टेली मार्केटिंग देखा, इनबाउंड टेली मार्केटिंग जहाँ कस्टमर खुद कॉल करता है और कॉल सेंटर उसका जो भी क्वेरी होता है या उसका ऑर्डर होता है उसको प्लेस करता है। दूसरा है आउटबाउंड, जहाँ कंपनी के कॉल सेंटर के पर्सन्स खुद कस्टमर्स को, जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं या जो उन्हें लगता है कि भी ये प्रोस्पेक्ट्स हैं कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको खुद कॉल करके कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्लियर। एज चैप्टर 6 नोटेड, बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री इन 2003, कंज्यूमर टेली मार्केटिंग हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे हमने चैप्टर 6 में देखा, आपने भी देखा होगा कि आपके पास बहुत बार कंपनीज के प्रमोशन के लिए फ़ोन आते रहते हैं, जैसे मोस्टली बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से आते हैं। बैंकिंग वाले बोलेंगे कि सर आपके अकाउंट पे है ना स्टडी लोन अवेलेबल है या हाउस लोन हम आपको दे रहे हैं इतने इंटरेस्ट पे। तो वो जो है टेली मार्केटिंग के थ्रू आउटबाउंड टेली मार्केटिंग कर रहे हैं कि कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज वाले आपको कॉल करते हैं कि मैम हम एक कंपनी का ऑफर चल रहा है या कंपनी का ये इंश्योरेंस है, क्या आप ये इंश्योरेंस करवाना चाहेंगे। तो इस टाइप के कॉल्स हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन उससे क्या हुआ कि कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि कंपनी के पास इतनी सारी कंपनीज के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए अननेसेसरी कॉल्स आती रहती थी। तो हमारे पास क्या हुआ, 2003 में नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री स्टार्ट हुई, जिसके थ्रू अगर कोई भी कस्टमर डू नॉट कॉल का अगर लगा देता है या रजिस्टर कर लेता है अपने सिम को, तो उसको किसी भी कंपनी की कॉल या मैसेज नहीं आएगी प्रमोशन के लिए। तो इसकी वजह से जब ये नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री स्टार्ट हुआ 2003 में,
उसके बाद से जो कंज्यूमर टेलीमार्केटिंग थी उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो गई, क्योंकि अब जब कॉल्स आप कर ही नहीं सकते कंज्यूमर्स को, तो जो पहले आप इंफॉर्मेशन करते थे या देते थे कंज्यूमर को, वो अब नहीं दे सकती कंपनीज। बिजनेस टू बिजनेस टेलीमार्केटिंग इज इंक्रीजिंग हाउएवर, लेकिन अगर हम बिजनेस टू बिजनेस टेलीमार्केटिंग की बात करें तो वो आज के टाइम पे भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में क्या है, जो कस्टमर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं, अगर आप दूसरे बिजनेस को वो सेल करना चाहते हैं तो लिमिटेड बिजनेस होंगे जिनको आप वो सेल करना चाहते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस टेलीमार्केटिंग आज के टाइम पे भी इंक्रीजिंगली यूज हो रहा है। एक कंपनी एक एग्जांपल दे रखा है, रैली बाइकसाइकल्स यूज टेलीमार्केटिंग टू रिड्यूस द पर्सनल सेलिंग कॉस्ट ऑफ कॉन्टेक्टिंग इट्स डीलर। ये कह रहा है एक कंपनी है बाइसाइकिल्स की, और इन्होंने क्या किया, जो इनकी पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट आती थी उसको डिक्रीज कर दिया। भाई डीलर्स को कांटेक्ट करने के लिए पहले इनको अपनी सेल्स फोर्स भेजनी पड़ती थी कि भी तुम डीलर्स के पास जाओ, उनको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपने जो ऑफर्स चल रहे हैं उनके बारे में बताओ। लेकिन इसको क्या किया उन्होंने, टेलीमार्केटिंग से रिप्लेस कर दिया कि हम टेलीमार्केटिंग के थ्रू ही अपने डीलर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे और सेल्स फोर्स की हेल्प नहीं लेंगे। उसकी वजह से इनकी जो पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट थी वो क्या हो गई, डिक्रीज। इन द फर्स्ट ईयर सेल्स फोर्स ट्रेवल कॉस्ट ड्रॉप्ड 50% एंड सेल्स इन अ सिंगल क्वार्टर वेंट अप बाय 34%। ये कह रहा है, और इस बाईसाइकिल कंपनी की जो ट्रेवलिंग की कॉस्ट थी पहले ही साल में वो 50% डिक्रीज हो गई, और कंपनी की जो सेल्स थी वो एक ही क्वार्टर में 34% इंक्रीज हो गई टेलीमार्केटिंग की हेल्प से। एज इट इम्प्रूव्स विद द यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमार्केटिंग विल इंक्रीजिंगली रिप्लेस दो नेवर एलिमिनेट मोर एक्सपेंसिव फील्ड सेल्स कॉल। ये कह रहा है जैसे जैसे अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आ गया है, सिर्फ पहले तो हम सिर्फ कॉल के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन दे सकते थे या ऑफर्स को बता सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट आने के बाद जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आने के बाद जहां आप कस्टमर को वो गुड्स एंड सर्विसेज दिखा भी सकते हैं फ़ोन के थ्रू ही, टेलीमार्केटिंग कभी ना कभी इंक्रीजिंगली रिप्लेस कर रहा है। हमेशा एलिमिनेट तो नहीं करेगा कि बिल्कुल ख़त्म कर देगा, लेकिन वो धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है किसको, जो एक्सपेंसिव फील्ड सेल्स कॉल्स होती थी, जो हमारी पर्सनल सेलिंग होती थी, जहां हमारा सेल्स फोर्स कस्टमर को विजिट करता था और उसको हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन देता था। तो उसको धीरे धीरे वो क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है एक्सपेंसिव फील्ड सेल्स कॉल्स को। क्लियर? तो ये था हमारा टेली मार्केटिंग, जहाँ हमने स्टडी किया कि टेलीफोन या कॉल सेंटर्स की हेल्प से कैसे कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकती है। यहाँ वो किसी भी मार्केटिंग मिडलमैन की हेल्प नहीं लेती अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। डायरेक्टली कंज्यूमर क्या कर सकता है, फ़ोन पे ही अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और जो मार्केटर है वो 2 या 3 डेज के अंदर उन गुड्स की डिलीवरी डायरेक्टली कंज्यूमर को उसके घर पर कर देता है। तो टेली मार्केटिंग एक नई, और हम कह सकते हैं अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आने के बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कंपनीज, और इसके बेनिफिट्स भी हैं कि आपकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी कोई क्वेरीज होती हैं वो भी हम टेलीफोन की हेल्प से ही सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? ये था हमारा थर्ड मेथड डायरेक्ट मार्केटिंग का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दिशा क्लासेस को ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि ऐसा ही ऐसा और भी कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूँ, और भी बच्चों की हेल्प हो सके, तो इसलिए जितना हो सके उतना वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।